ग्रेविटी एक अदृश्य खिंचाव जो हमारी पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड के हर ग्रह, तारे और विशालकाय ब्लैक होल जैसी चीजों तक फैला हुआ है। जैसे कि हमें बताया गया है कि गुरुत्वाकर्षण के चलते ही हमारी पृथ्वी और सौर मंडल के बाकी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन असल में हम सूर्य का चक्कर नहीं लगाते। हम एक ऐसे बिंदु की परिक्रमा करते हैं जो सूर्य के सेंटर में नहीं होता, उससे थोड़ा दूर होता है। गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष में अलग तरीके से काम करता है और इसीलिए इसे उसी रूप में समझना बहुत आवश्यक है। बिग बैंग के बाद हमारा गर्म ब्रह्मांड एक्सपांशन के दौरान धीरे धीरे ठंडा होता गया और आगे बढ़ता चला गया, लेकिन इन सब में गुरुत्वाकर्षण ने नई चीजों को विकसित करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। जब ब्रह्मांड का एक्सपांशन हो रहा था तो इसमें छोटे से छोटे पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते गए। जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते गए तो धीरे धीरे बड़े मास वाले स्ट्रक्चर बनते गए, जैसे कि स्टार्स और गैलेक्सीज। हम में से ज्यादातर लोग गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड को न्यूटन की दृष्टि से ही समझते हैं। जैसे सेब पृथ्वी पर गिरता है क्योंकि इनके बीच कोई अदृश्य बल कार्य करता है जिसके कारण पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, लेकिन क्या सेब भी पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, मगर सेब भी पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा होता है। जब सेब गिरता है तब पृथ्वी और सेब दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि पृथ्वी का मास ज्यादा होने के कारण इसका आकर्षण भी ज्यादा हो जाता है, इसीलिए सेब पृथ्वी की ओर गिरता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान वास्तविक तो था लेकिन अधूरा था। न्यूटन का यह सिद्धांत 200 सालों तक बड़े चर्चे में रहा था, लेकिन 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में एक युवक क्लार्क ने अपने विचारों से न्यूटन के कई सिद्धांतों को एक नए तरीके से दुनिया के सामने रखा, और उस युवक का नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने न्यूटन के टाइम और ग्रेविटी दोनों सिद्धांतों को लगभग गलत साबित कर दिया था। जैसे कि न्यूटन ने कहा था कि समय हर जगह समान होता है, मतलब पृथ्वी पर बिताया एक घंटा ब्रह्मांड के किसी दूसरे ग्रह पर बिताए एक घंटे के बराबर होगा, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा था कि समय हर जगह समान नहीं होता, ये धीमा या फिर तेज हो सकता है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में कहा था कि एक बल है जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण वास्तव में कैसा काम करता है इसके बारे में न्यूटन के तर्क थोड़े फीके पड़ते दिखाई देते हैं। पृथ्वी से लाखों मील दूर स्थित हमारा चंद्रमा हमारे पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जबकि दोनों के बीच केवल रिक्त स्थान है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर ऐसे घूम रहा है जैसे वो पृथ्वी से किसी अदृश्य डोर से जुड़ा हो, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है, और न्यूटन का कोई भी नियम इसकी व्याख्या नहीं कर पाता है कि आखिर चंद्रमा हमारे पृथ्वी की परिक्रमा क्यों और कैसे करता है। आइंस्टाइन को भी यह सवाल बहुत सालों तक परेशान करता रहा, इसलिए आइंस्टाइन ने इस विषय पर अपनी खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन आइंस्टाइन को भी इस समस्या को हल करने के लिए 10 सालों का समय लग गया था, लेकिन इन्हीं 10 सालों में आइंस्टाइन ने चौंकाने वाले निष्कर्ष निकाले थे। आइंस्टाइन ने कहा था कि गुरुत्वाकर्षण का रहस्य वास्तव में अंतरिक्ष और समय की प्रकृति में छुपा हुआ है, मतलब स्पेस और टाइम में इसका जवाब छुपा हुआ है। इसलिए इसे समझने के लिए हमें पहले स्पेस टाइम को समझना होगा। स्पेस टाइम को लेकर आइंस्टाइन का यह कहना था कि स्पेस और टाइम यानी अंतरिक्ष और समय बहुत लचीला है, यह एक फैब्रिकेटेड कपड़े की तरह फैलता और सिकुड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अंतरिक्ष एक चारों तरफ से खींचा हुआ फैब्रिकेटेड कपड़ा है, अगर हम उस कपड़े में कोई भारी वस्तु रख दे जैसे कि हमारा सूर्य, तो यह स्पेस टाइम में एक वक्रता उत्पन्न कर देगा, यानी इसके कारण एक घुमावदार गड्ढा निर्माण हो जाएगा। अब अगर एक छोटी सी गेंद हम उस बड़ी और भारी वस्तु की ओर फेंक दे तो छोटी गेंद उस भारी वस्तु के द्वारा बनाए गए घुमावदार स्पेस टाइम की वक्रता के कारण उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगेगी, जैसे हमारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बाद आइंस्टाइन ने पूरे विश्व को ये दिखा दिया था कि आखिर गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, और इसीलिए हमारा चंद्रमा हमारे पृथ्वी की परिक्रमा करता है, क्योंकि पृथ्वी द्वारा बनी स्पेस टाइम वक्रता उसे परिक्रमा करने के लिए मजबूर कर देती है।
जैसे हमारा चंद्र पृथ्वी की परिक्रमा करता है, वैसे ही पृथ्वी भी सूर्य के द्वारा किए जाने वाले वक्रता के फलस्वरूप सूर्य की परिक्रमा करती है। लेकिन मान लीजिए कि यदि सूर्य को उसके स्थान से हटा दिया जाए, तब पृथ्वी पर सूर्य की अनुपस्थिति का फर्क पड़ने में कितना समय लगेगा? यह तत्काल होगा या इसमें कुछ विलम्ब होगा? यदि हम न्यूटन के सिद्धांतों को माने तो यह तत्काल होगा, लेकिन आइंस्टाइन के अनुसार यह तत्काल नहीं होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तरंगों के रूप में यात्रा करता है। गुरुत्वाकर्षण तरंगे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के परिवर्तन या गति के कारण उत्पन्न होती है। 1915 में आइंस्टाइन ने अपने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में यह सिद्ध किया था कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे कि गैलेक्सीज या ब्लैक होल के चक्कर लगाने या एक दूसरे के करीब आने के कारण स्पेस टाइम में एक तरह का रिपल या वेव उत्पन्न होती है, जो गुरुत्वीय तरंगे यानी ग्रेविटेशनल वेव्स होती है। ग्रेविटेशनल वेव्स का मुख्य कारण मैसिव ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन या उनके मोमेंटम में परिवर्तन होता है। जब इन ऑब्जेक्ट्स के बीच कुछ चेंजेस होते हैं, तो वह एनर्जी को स्पेस टाइम में भेजता है, जिससे ग्रेविटेशनल वेव्स उत्पन्न होती है। ग्रेविटेशनल वेव्स हमेशा तेज गति से चलती है। इन वेव्स को डायरेक्टली मेजर करना काफी कठिन होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह नहीं होते। 2015 में लीगो ने पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स को सीधे रूप से मेजर किया था। इस डिस्कवरी ने आइंस्टाइन की थियोरी को और भी मजबूती दी, और अब ग्रेविटेशनल वेव्स हमारे ब्रह्मांड के स्टडी में एक महत्वपूर्ण उपकरण बना हुआ है। ब्रह्मांड में ग्रेविटेशनल वेव्स एक खास तरह की एनर्जी की लहर होती है, जो स्पेस टाइम में फैलती है। जब इन तरंगों को ठीक से पकड़ा जाता है, तो उससे हमें नए ब्रह्मांडिक घटनाएं मालूम होती है, जिसमें ब्लैक होल के मिलने से या स्टार के विस्फोट से जुड़ी सारी विशेष घटनाएं शामिल है। आइंस्टाइन की स्पेस टाइम थियोरी ने एक और चीज की तरफ देखने का हमारा नजरिया बदल दिया था। जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक वस्तु का अपना एक सेंटर ऑफ मास होता है। जैसे अगर हम एक स्केल का उदाहरण ले, तो इस स्केल का सेंटर ऑफ मास इसके एकदम सेंटर में होगा। अगर हमने अपनी उंगली से इसे सेंटर से बैलेंस करने की कोशिश की, तो ये आसानी से परफेक्टली बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर हम सेम एक्सपेरिमेंट एक हथौड़ी यानी हैमर के साथ करें, तो ये इसके सेंटर में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि हैमर का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में नहीं होता। कभी कभी ये वस्तु के ऐसे पॉइंट पर होता है जहां उस वस्तु को पूरी तरह से बैलेंस किया जा सके। हैमर का अधिकतर मास उसके सिर के पास होता है, इसीलिए इसका सेंटर ऑफ मास इसके सिर के पास ही होता है। इसी तरह अंतरिक्ष में एक दूसरे की परिक्रमा करने वाले दो या दो से अधिक वस्तुओं का भी सेंटर ऑफ मास होता है, और इस पॉइंट को बैरी सेंटर कहा जाता है। यह वो बिंदु होता है जिसके चारों ओर वस्तुएं अपनी परिक्रमा करती है। बैरी सेंटर आमतौर पर सबसे अधिक मास वाले वस्तु के करीब होता है। हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच भी एक बैरी सेंटर है, जिसकी पृथ्वी परिक्रमा करती है। हमारे सूर्य का मास पृथ्वी की तुलना में कई अधिक गुना ज्यादा है, और पृथ्वी बहुत छोटी है। इसका मतलब इनका सेंटर ऑफ मास सूर्य के पास होगा, क्योंकि ये एक हैमर की तरह होगा। मास में बहुत ज्यादा अंतर होने के कारण पृथ्वी और सूर्य का बैरी सेंटर सूर्य के केंद्र के बहुत नजदीक होगा। लेकिन बृहस्पति यानी जुपिटर, जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, उसके लिए बैरी सेंटर थोड़ा दूर होगा। बृहस्पति हमारे पृथ्वी से बहुत बड़ा है। इसका मास पृथ्वी से 318 गुना अधिक है, जिसके कारण बृहस्पति और सूर्य का केंद्र सूर्य के केंद्र में नहीं है। यह ठीक सूर्य के सतह से थोड़ा बाहर है, इसलिए बृहस्पति अपने अधिक मास के कारण सूर्य की परिक्रमा ना करते हुए सूर्य की सतह से बाहर बने इस बैरी सेंटर की परिक्रमा करता है। हमारे सौर मंडल का भी एक बैरी सेंटर है। सूर्य, पृथ्वी और सौर मंडल के बाकी ग्रह इस बैरी सेंटर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। लेकिन सौर मंडल का बैरी सेंटर लगातार अपनी स्थिति बदलता रहता है। इसकी स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि ग्रह अपनी कक्षाओं में कहाँ है। बैरी सेंटर की कहानी यही खत्म नहीं होती। बैरी सेंटर ने हमें अन्य ग्रहों को खोजने में भी काफी मदद की है। यदि किसी तारे में ग्रह है, तो वह तारा एक ऐसे बैरी सेंटर के चारों ओर परिक्रमा करता है जो उसके बिल्कुल केंद्र में नहीं होता, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह डगमगा रहा हो। इसी तकनीक का इस्तेमाल करके हमने कई सारे तारों की परिक्रमा करते बहुत सारे ग्रहों का पता लगाया है, जिन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण ने ब्रह्मांड की कई सारी पेचीदा चीजों को आसानी से समझाने में हमारी मदद की है। यह डार्क मैटर और समय की तरह अदृश्य है, लेकिन उन्हीं की तरह यह भी बहुत जरूरी है।
खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो कैसे लगी ये कमेंट करना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर भी कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और रहस्यमय कहानी के साथ।